इस ब्लॉग की असल जो खुशखबरी थी, असल जो बात थी, असल जो मकसद था वो ये था कि आपको एक खुशखबरी देनी थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात कुछ यूँ है कि ओमान में फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जो कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज का जो ब्लॉग है वो घर में शूट किया जाए। ये हमारे घर की छत है जिसको हमने थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है, फूल पौधे लगाए हुए हैं, कारपेट बिछाया हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके नज़ारे कि ये हमने कैसे बनाई हुई है। ये छोटा सा गार्डन हमारा जो कि हमने छत के ऊपर बनाया हुआ है, ये ऊपर भी फूल लगाए हुए हैं, छत भी आपको दिख रही है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मौसम बड़ा गर्म होता है तो उसके लिए हमें छत भी बनानी पड़ी। घड़ी भी लगी हुई है, फैन भी लगा हुआ है, और ये छत भी हमने बनाई हुई है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आती है तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये नीचे फूल हैं और इनको उगाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मौसम यहाँ बहुत गर्म होता है, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन उसके बाद भी लगे रहे हम, तो आखिरकार ये सब कुछ बन गया। और इस टाइम रात को बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा मौसम है, अब यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। और ये भी हमने शेड बनाया हुआ है, जब इनको धूप नहीं चाहिए होती पौधों को तो हम इसको आगे कर देते हैं ताकि कम धूप लगे। और एक अत पंखा भी हमने यहाँ लगा दिया है। तो रमज़ान शरीफ में क्या था कि सब कुछ बंद था, मस्जिद वगैरह बंद थी, तो हम यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ते रहते हैं, नमाज़ भी पढ़ते रहे हैं, और अभी भी फजर की नमाज़ यहाँ पर होती है, पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि मस्जिदें फ़िलहाल अभी तक बंद हैं। हो सकता है 15 नवंबर से मस्जिदें खोली जाएँ, तो उम्मीद तो यही है, लेट्स सी कि कब खुलती हैं। तो पिछले साल जब हम यहाँ पे आते थे, ऊपर बैठते थे, तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ी कि यार यहाँ पर कोई एक तंदूर होना चाहिए, तो हमने एक देसी तरीके का तंदूर बनवाया। तो यहाँ पर हम रोटियाँ लगाते हैं, हम नहीं लगाते, मतलब घर वाले लगाते हैं रोटियाँ। तो आजकल आज के हमारे मेन्यू में है गाजरेला, एक एक गाजर का हलवा विद बादाम एंड वॉलनट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है एक अदद अदरक का कावा और शहद मिठास के लिए। और ये शायद मेरे से निकल नहीं रही, ये क्या करते हैं यार, जोर लगाओ बस, थैंक यू। हाँ तो गाइस, बात कुछ यूँ है कि आपने हमारी छोटी सी जगह देखी, ये हमने यहाँ देसी माहौल बनाया हुआ है। आपको ये माहौल सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है, यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ पर ये पौधे फूल जो है ना ये ज़्यादा उगते नहीं हैं, लेकिन हमने फिर भी बहुत सारा मेहनत कर करने के बाद इसको सेट किया, यहाँ पे बहुत फिट जगह बन चुकी है। क्योंकि रात को हम जब आके ऊपर यहाँ बैठते थे तो कुछ भी नहीं होता था, जस्ट छत ही थी, तो अब यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट भी कर ली है, आर्टिफिशियल ग्रास भी लगा दी है, फूल पौधे सारे असली हैं, सिर्फ ग्रास जो है वो नकली है, लेकिन वो भी बड़ो बहुत फिट है। तुम आ रहे हो, मैं दूर कर रहा हूँ आपको, मैं बार बार इधर कर रहा हूँ, फिर इतनी है तो नहीं, वो इतनी है यार, ये लोग ब्लॉग बड़े बड़े दरेल कर तंग करते हैं, मतलब कुछ बोल जाए ना, नहीं ये नहीं सही, नहीं वो सही नहीं है, ये बोले ऐसे बोले, ऐसे थोड़ी होता है, ब्लॉग है कुछ भी चलता है, बंदा जो मर्जी बोलता रहे, ये कितने भी परफेक्शन आनी चाहिए, परफेक्शन मैं आप कहाँ से लेके आऊँ। प्रैक्टिस बंदा जब नए नए शुरू करता है तो ऐसे होता है ना, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, फिर लोग कहते हैं काट दो ये ना डालो, लेकिन मैं डालूंगा। तो बात चल रही थी घर की, वो हो गई, अब ब्लॉग घर बन रहा है, वो मैंने आपको बता दिया क्यों घर बन रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, सब बंद है, मज़े हैं। वैसे ये टाइम बिल्कुल सही है, आप 8 बजे दुकान से फ्री हो जाएं, आराम से घर आएं, बच्चों को टाइम दें, बीवी को टाइम दें, घर वालों को टाइम दें, उनके साथ बैठें, और बीवी आपको ये भी नहीं कह सकती बाहर चले, लॉकडाउन है, मज़े, आइसक्रीम खाने चले, नहीं जा सकते, घर बैठे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप घर वालों को टाइम दे सकते हैं इस वक्त। हम सब तो ये दुआ कर रहे हैं कि यार ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, सॉरी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी
यही टाइमिंग हो, 8 बजे शॉप्स बंद, घर आ जाओ। तो बात जो इस ब्लॉग की असल जो बात थी, असल जो मकसद था, वो ये था कि आपको एक खुशखबरी देनी थी, मामू। खुशखबरी देनी थी आपको, यानी वलीद मामू बन गए और मैं फादर बन गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने हमें औलाद की नेमत से नवाजा। तो औलाद अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होती है, तो इसका अब जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होता है। तो आप भी माशाल्लाह पढ़ दें एक दफ़ा, माशाल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। तो वलीद क्या कहेंगे आप अपने भांजी के बारे में? जी भांजा बहू ही खूबसूरत शे है, मैं क्या डसा तुसा लगा को जिन लोगों को सराके नहीं आते उन लोगों के लिए माजरत। तो वलीद के कहने का मतलब ये है कि माशाल्लाह वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, और यानी अब दिन में किसी की बारी नहीं आती है। हर बंदा कहता है मैं उठाऊं, वो कहता है मैं उठाऊं, वो कहता है मैं दूध पिलाऊंगा, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। बस सारा दिन वो बेचारा इधर उधर घूमता ही रहता है, और लेकिन माशाल्लाह बहुत क्यूट है वो। सब लोग कहते हैं कि मेरे पे गया है, लेकिन वंदा वंदा वंदा। मेरे घर वाले नहीं मानते कि वो मेरे पे गया है। यार मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह गुड, अच्छा हूँ माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो वलीद क्या कहोगे आप, कुछ और मजीद ऐड करना चाहोगे? मैं क्या ऐड करूं, पर लव्ज ही नहीं है ऐड करने के लिए। देखा, लफ्ज ही नहीं है उसके पास। तो गैस गजरेला बहुत ही मज़े का बना हुआ है, अगर आप इसकी रेसिपी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिएगा। वैसे तो आप नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन अगर फिर भी किसी को ज़रूरत है उसने पूछनी है तो रेसिपी मैं उसको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं बनाया। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं खुद बनाता था, और कब शादी से पहले मैं खुद बनाता था अम्मी के साथ बैठ के। अम्मी भी साथ, मतलब कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, दूध में अपने गाजर डाल लिया और उसको खिलाते रहने, खुद ही बन जाएगा। बस मैं खुद बनाता था और अपने बेड के साइड रखता था, तकरीबन 10 दिन में उसको रोज़ सुबह शाम खाते रहता था। मतलब मुझे इतना ये मज़ेदार लगता है। तो आज भी हमने बनाया है तो मैं खा रहा हूँ। को भी दिखता खड़े साथ में बंदा बैठा है, उससे नहीं पूछना पूछना खुद ही सारे नहीं, पहले दुबई खा जो है, वडा नेक्स्ट वीक से नहीं कोई भी पूछता। ने खाया ही नहीं है, इतना सा खाने में मिला है गरम गरम वो भी जल्दी जल्दी। सेहत तो खाना, अब जो खाना पड़ेगा ये खाने तो नहीं क्या। थैंक यू। गाइस वीडियो क्वालिटी के लिए माफ़ करना, क्योंकि रात का टाइम है और लाइट्स हमारे पास अच्छी हैं, लेकिन कैमरे में शायद वो कम आ रही होंगी, तो उसके लिए माफ़ करना। चम्मच चेक करें तो वलीद कैसा बना है? बड़ा आला बना खाए, बहुत आला आला बना बना हुआ हुआ है। है। तो गैस लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम अपने बेबी को, बेबी से याद आया कि हमने नाम तो बताया नहीं, उसका नाम हमने रखा है मोहम्मद इब्राहिम। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, अल्लाह पाक के नबी का नाम है, तो उनकी निस्बत से हमने ये नाम रखा है ताकि वो भी मतलब नेक बन जाए। बस यही निस्बत थी। तो आप लोग भी इस तरह के नाम रखा करें, क्योंकि जो हमारे नबी के नाम है, जो कुरान पाक में नाम है, जो सहाबा करम के नाम है, उनके नाम की शायद आई थिंक सबकी बरकत भी होती है कि लोग मतलब वो नाम रखते हैं। तो बेहतर ये है कि आप उन्हीं में से कोई नाम रखा करें, नाम का असर भी होता है। आप जितना अच्छा नाम रखेंगे वो इंशाल्लाह उतना ही अच्छा उसका फ्यूचर होगा। तो वैसे हमारे 24 घंटे दिन रात सुबह शाम उसी के साथ गुजरते हैं, और वैसे भी लॉकडाउन है तो बड़ा अच्छा टाइम है, हम 8 बजे घर आ जाते हैं, तो बहुत टाइम मिल जाता है उसके साथ गुजारने को। क्योंकि आपकी जो औलाद होती है, आपको सबको प्यारी होती है, अल्लाह पाक सबको मतलब जिनकी औलाद नहीं है उनको नेक औलाद दें, हमारी यही दुआ है। और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको मोहम्मद इब्राहिम को नेक बनाएं और लंबी सेहत और ज़िंदगी अता करें, हमारी यही दुआ है। और इसी दुआ के साथ हम अपने ब्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।